हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जो आज हम अनबॉक्स करेंगे वो है फोर होम्स मेलवोइक इंजीनियरिंग वुड साइटेबल, जिसका कलर है पम्पकिन ऑरेंज। दोस्तों, ये एक DIY यानी डू इट योरसेल्फ टेबल है, जिसको आपको अपने आप ही असेंबल करना पड़ता है। इसको मैंने स्पेशल मंगवाया है अपने स्टूडियो के लिए। इससे पहले भी मैं इसको मंगवा चुका हूं और उसकी फुली टेस्टिंग करने के बाद ही मैंने ये दोबारा मंगवाया है। चलिए इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो मिलते हैं हमें साइड टेबल के 6 पीसेस, जिन्हें हम असेंबल करके पूरी साइड टेबल को बना सकते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ये है DIY यानी डू इट योरसेल्फ। इस टेबल को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी साइड टेबल को आप मात्र 15 मिनट के अंदर असेंबल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ स्क्रूज हैं और लकड़ी की कुछ गिट्टियां हैं जो इसको असेंबलिंग करने में यूज करी जाएंगी। इस तरीके के पीसेस आपको मिलते हैं, टोटल ऑरेंज इन कलर है, इसे बोलते हैं पम्पकिन ऑरेंज। ये इसका पहला पीस है और मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके साथ ये मैनुअल आई है, जिसे देखकर आप इस साइड टेबल को असेंबल कर सकते हैं। चलिए इस पैकेट को हम खोल लेते हैं, जिसके अंदर आपको स्क्रूज मिलते हैं, बोल्ट्स मिलते हैं और छोटी छोटी लकड़ी की गिट्टियां मिलती हैं। इन गिट्टियों को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सपोर्ट करने के काम आती हैं, टोटल असेंबलिंग में काम आती हैं। जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, इस तरीके से आप अगर करेंगे तो इजिली असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रू लगेंगे, जिन्हें हमको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट करना पड़ेगा। एक मैं यहां पर लगा चुका हूं, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देते हैं, क्योंकि यही वो स्क्रू हैं जिनके थ्रू हम एक पीस को दूसरे पीस के साथ जोड़ेंगे। ये दूसरा स्क्रू है, इस तरीके से हम यहां पर लगाएंगे और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे कस देंगे। बहुत ही इजी वे में हम इसको असेंबल कर सकते हैं, अपने आप इसको जोड़ सकते हैं, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं है। यहाँ हम इसका सेकंड पीस भी इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो मॉडल है ये स्क्वायर शेप में आता है और इसकी विड्थ और हाइट के बारे में बात करें तो जो विड्थ और हाइट है वो है इसकी 50x50 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं 1 फिट 7 इंच x 1 फिट 7 इंच। और ये ज्यादातर सुटेबल है बेडरूम्स के लिए, लिविंग रूम्स के लिए, डेकोरेशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ के साथ स्टडी रूम में एज ए साइड टेबल भी हम इसे यूज कर सकते हैं। मैंने ये साइड टेबल मंगवाई है अपने स्टूडियो के लिए, क्योंकि मुझको एक ऐसा डेकोरेशन साइड टेबल चाहिए थी जिसपे मैं अपना सामान रख सकूं या कुछ बुक्स रख सकूं। अगर आप इस साइड टेबल को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाय लिंक दूंगा, जहां जाकर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दोस्तों, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ। ये सेकंड प्रोडक्ट है जिसकी वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। और यहाँ थर्ड जो पीस है वो भी पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ आप बोल्ट, स्क्रूज और वुडन स्टिक को लगाने का मेथड आप देख रहे हैं। इसको देखकर आप इसको इजिली असेंबल कर सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस पर एक एरो का निशान है जो अपवर डायरेक्शन में रहेगा। ये तीसरा पीस है जो हमारी इस टेबल को कंप्लीट कर रहा है। जब इसकी फिटिंग सही बैठ जाएगा तो हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उन बोल्ट्स को कस देंगे। ये तीन पीस हमारे अब तैयार हो चुके हैं। अब नंबर आता है फोर्थ पीस का। ये इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर सब मेथड सेम है, हर जगह बोल्ट, स्क्रूज और वुडन स्टिक्स का यूज करा जाता है। यहाँ पर मैंने स्क्रू लगा दिया है और इसको हम टाइट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। बहुत इजी इंस्टॉलेशन है। ये वुडन स्टिक लगा दिया है यहाँ पर, सेम यहाँ पर लगेगा वुडन स्टिक और ये स्क्रूज यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। इतना ध्यान रखेगा, इन स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जरूर टाइट कर दें। इससे टेबल की जो मजबूती है वो बढ़ जाती है और हिलती नहीं है टेबल, जैसे कई कस्टमर ने इसका रिव्यू करा था। तो दोस्तों, मजबूती के लिए आपको स्क्रूज को और वुडन स्टिक्स को सही तरीके से फिट बिठाना होगा, तभी ये आपकी टेबल मजबूती से खड़ी रह पाएगी। दोस्तों, इसका जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है इस टेबल का, वो अप्रॉक्सीमेट 30 kg है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपका वजन उठा लेगी। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये डेकोरेशन के काम में आती है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है 500STOG। सेल्स पैकेज में मिलता है आपको साइड टेबल विद असेंबली गाइडलाइंस। फिनिश टाइप मैटे है, प्राइमरी कलर ऑरेंज है, प्राइमरी मटेरियल सब टाइप का पार्टिकल बोर्ड है। मॉडल सीरीज नेम इसका है मेलकोविक। टोटल वेट इस प्रोडक्ट का है 8.4 kg। वारंटी के बारे में बात करें तो इस पर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको 6 मंथ्स की मिलती है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस टेबल को आप पानी से बचाकर रखेंगे तो ये सालों साल आपका साथ देगी। ये देखिएगा, फिफ्थ पीस यहाँ पर
लगाया जा रहा है। मेथड वही है जो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। अच्छी तरीके से स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू को सेट जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट आता है अपर पीस, इसको इस तरीके से हमको जोड़ना है। यहाँ पर मैं बोल्ट डाल देता हूँ, ये लॉक भी कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा इस लॉक के ऊपर एक एरो है जो अपर साइड में रहेगी। और यहाँ पर भी मैं स्क्रूज लगा लेता हूँ और वुडन स्टिक भी लगा देता हूँ, उसे वुडन गिट्टी भी बोलते हैं, लकड़ी की गिट्टी बोलते हैं, जो बीच में लगाई जाती है। टाइट कर देता हूँ इसको मैं, ये वाला भी टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर भी लगेगा एक स्क्रू और इस जगह पर भी। बार बार आपसे कह रहा हूँ टाइट जरूर करिएगा, अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो ये स्टेबल नहीं रहेगी और हिलती रहेगी। कुछ भी सामान रखेंगे उसका टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैंने लकड़ी की गिट्टी लगा दी है, दोनों साइड लगनी है ये। और इस पीस को हम उठाएंगे और इस तरीके से हम रख देंगे, बाद में हम इसके बोल्ट कस देते हैं। और इस तरीके से आपकी 100% असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये मैनुअल है जो कंपनी ने इस साइड टेबल के साथ दिया है। और कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है पंपकिन ऑरेंज कलर, भाई साहब स्टूडियो में मैंने रख रखी है, दिल खुश हो जाता है इसे देखकर। इस साइड टेबल पर आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे एलईडी लैंप हो, चाहे बुक्स हो, कुछ भी जो आपका मन करता है। और अगर मैं इसका पहला मॉडल दिखाऊं तो आप बैक साइड में देख सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, भाई साहब दिल खुश हो गया। और अगर आप बैक साइड में देखिए तो वो रखा हुआ है जिसपे मैंने बुक्स और कैसियो का सिंथेसाइजर रख रखा है। तो भाई साहब ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।